My name is Zaid. We all students came here. We are protesting here. We just need justice. I mean, जो एग्ज़ाम हुआ 17 नवंबर का सी ई टी का सिक्किम्स का, उसमें एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है. दो स्टूडेंट्स हु गॉट 100 out of 100, 99 out of 100, 97 out of 100, सम ऑफ देम आल्सो अपीयर्ड इन जे के भोपी एग्जाम वेयर दे फेल्ड एवन टू क्रॉस 35 पॉइंट्स एंड इन भोपी देयर वेयर ऑनली 35 क्वालिफाइंग मार्क्स. तो ऐसा कैसे हो सकता है? भोपी में वो खाली 27 पॉइंट्स लाए और सिक्किम्स में 100 में से 100 लाए. ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ ना. ये तो एक बहुत बड़ा स्कैम है. यहाँ पर करप्शन चल रही है. हम चाहते कि ये करप्शन खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी. हर एक डिपार्टमेंट में करप्शन हो रही है. अभी पिछले महीने जो एग्जाम हुआ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, उसमें भी करप्शन हुई. यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन. हम चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्द खत्म हो जाए, मेहरबानी करके. हम चाहते हैं कि इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन हो. ये हमारे करियर का मसला है, ये हमारे फ्यूचर का मसला है. इसमें डीप इन्वेस्टिगेशन हो, नॉट लाइटली. इसको डीपली इन्वेस्टिगेट कीजिए, मेहरबानी करके. और नाम शाहिद हैं और हम सारे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने हम सब ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एग्ज़ाम दिया था सिक्किम 2019 का. और हमें यह पता चला है कि जो सिक्किम के पेपर्स हैं वो एग्ज़ाम से पहले एक दिन 50 स्टूडेंट्स में वो भेजे गए हैं. अब हमें ये जस्टिस, हमें जस्टिस चाहिए बस. जी सर, आप देख सकते हो जो जे के भोपी में हमने एग्ज़ाम दिया था, आप वहाँ पर देख सकते हो कि उन स्टूडेंट्स ने कितना स्कोर किया है. और सिक्किम में उन्हीं स्टूडेंट्स ने 100 में से 100 पॉइंट्स लाए हैं. सर आप इसे देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो. हम चाहते हैं कि इसकी इंक्वायरी हो जाए, ग्रीवेंस हो जाए. हमने सिक्किम बिमना वहाँ पे एक सर बहुत बड़ा डॉक्टर है, पर्सनली मैंने उसे बात की. उसे कहा बेटा हाँ ये स्कैम है और लेकिन हमें सबूत चाहिए, आप सबूत प्रोटेस्ट करो, ग्रीवेंस रखो. हमने वो सब कुछ किया लेकिन हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला. हमारा कैरियर तबाह हो चुका है. लेकिन जो हम नीट एस्पिरेंट्स हैं, नीट एस्पिरेंट्स ने मैक्सिमम 80 पॉइंट्स लाए हैं सिक्किम कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में. और हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ है जो आज हो रहा है, जो आज हुआ है.